केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। नमस्कार वीक्षकरे, केसीएन न्यूज के स्वागत नवनिमा स्वाति एंगी। नमस्कार मैसूर, ನಾವು ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಬನ್ನಿ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನ ಅದ್ಧೂರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದು, ನಿನ್ನೆ ಶನಿವಾರದಂದು ಟೇಪ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನ ಭವ್ಯವಾದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಎನ್ಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸಿ ಮಾದೇಶ್ ಮಾಡಿದರು. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಸಿ ಕೊಠಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎನ್ಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಸಕ ತನ್ವೀರ್ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದರು. ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ಶ್ರೀ ಶದಾಬ್ ಅವರ ಮೂರನೇ ಹೋಟೆಲ್, ಅವರ ಒಂದನೇ ಹೋಟೆಲ್ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಹೋಟೆಲ್ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಅವರ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರುಚಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಆಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನ ಸವಿಯಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಶದಾಬ್ ಅವರು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಯಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದರು. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಯೋಜಿಸುವ ಯಾರಾದರೂ ಮೈಸೂರಿನ ಲಾಯಲ್ ವೈಲ್ಡ್ ಎದುರು ಬನ್ನಿ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ವರದಿಗಾರರು ಕಿಂಗ್ ಹಮೀದ್. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕೆಸಿಎನ್ ನ್ಯೂಸ್. ನಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿ.
देखिए होटल का जब भी मसला आता है सबसे पहले मैं ये कह दूं कि पैराडाइज होटल जिसका इफ्तिताह हुआ है, मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि इनकी कोशिशों और काविशों का एक नतीजा इस होटल को है ना अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल करम से कामयाबी अता करे। जहां तक होटल का मसला है, जब तक पाकी सफाई और आने वाले मेहमानों को है ना बाकायदा सही और लजीजदार जब तक पकवान नहीं देंगे लोग यहाँ नहीं आएंगे। तो एक छोटा सा खूबसूरत सा होटल बनाए और खास तौर से पाकी सफाई का खास तौर से इंतजाम किया गया है और आने वाले लोगों को यहाँ तक के है ना घरेलू एक माहौल अगर है तो ये बेहतर से बेहतर चल सकता है। जैसे आपने कहा कि होटलों की कमी कहीं नहीं है, लेकिन जितने होटल होने के बावजूद इस तिजारत में हिस्सा लेकर है ना नए तौर से खोलने का जब दावा करते हैं तो और होटलों से बेहतर होना चाहिए। तो मैं सिर्फ इतनी नसीहत है मेरी कि होटल को पाक साफ रखे और आने वाले जो अहबाब है उनको सही तरीके से लजीजदार गरम गरम खाना अगर दे तो जिससे शहर मैसूर का भी नाम रहेगा और अपने तिजारत में भी है ना इजाफा होगा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ को हूँ कि इनके इस तिजारत में कामयाबी आता है। देखिए खासतौर से बेंगलुरु मैसूर का जो रास्ता है, जिस रास्ते पर हम खड़े हैं ये रेसिडेंशियल एरिया आता है और इसके पिछले का हिस्सा जो है उसे अब हमने नेशनल हाईवे के हवाले किया है तो उसका तरक्की का काम डबल रोड हुआ है वहाँ पे। तो यहाँ पे भी है ना भीड़ भाड़ ज्यादा होने की वजह से इसके लिए एक हमारा मंसूबा भी है कि रास्ते को और चौड़ा करना है और इसकी तरक्की के साथ साथ खास तौर से जितने एक्सीडेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हो सकता है कि आने वाले दिनों में यहाँ सिग्नल लाइट हो या फिर है ना ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि जैसे डेंटल कॉलेज है घर बहुत सारे घरे आए हैं और साथ में हेवी ट्रैफिक होने की वजह से शादी महल यहाँ पे इस इलाके में काफी ज्यादा है तो इस वजह से ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा जोर डालना पड़ेगा। ये मिला के मेरी तीसरी होटल है, एक दुबई में खोले थे, फिर एक हसन में है, एक तीसरा यूनिट है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तंदूर मिलेगा, मोगलाई मिलेगा, इंडियन चाइनीज वेज नॉनवेज दोनों मिलेंगे। हमारा मेन मोटो है हाइजीन फूड देने का मकसद है और प्राइजेस बहुत मार्केट से कस्टमर्स को अच्छा मिलना, अच्छा भी मिलना और रेट्स कम भी रहना, यही हिसाब से हम लोग बैन करके हैं। हमारा मकसद है हॉस्पिटैलिटी, बस आप लोग का दुआ चाहिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए इंशाल्लाह। और इस और ब्रांचेस खुले हमारे इंशाल्लाह। मैसूर आवाम से चाहता हूँ कि एटलीस्ट एक बार आके ट्राई करें फूड को हमारा, क्योंकि हमारा फूड थोड़ा यूनिक है। टिपिकल जो सब रेस्टोरेंट में मिल रहा है जो नॉर्मल तंदूर वो बन रहा है, हमारा थोड़ा हटकर अपना डेली फ्रेश बनता है, हमारा सामान रखा हुआ सामान नहीं है, डेली फ्रेश स्टॉक का हमारे पास गुंजाइश नहीं है, डेली फ्रेश बनता है, फ्रेश खिलाते हैं, जो होता है वो डम कर देते हैं हम लोग, ये हमारा मोटो है। तो उसके हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। मैं इनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़े इसके बाद मेरी खुशनसीब है वो लोग मेरे रेस्टोरेंट पे आए, उनके कदम लगे, बस अल्लाह जिस तरह उनको तरक्की दिया हमें भी अल्लाह इस रेस्टोरेंट में तरक्की दे, उनकी दुआ हमेशा हमारे साथ रहे, बस गुजारिश करता हूँ। हम वांगेम बाड़ी शहर से आए थे, इधर घूमने के लिए आए थे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम इधर से गुजर रहे थे तो देखे कि कुछ ओपनिंग है, हमने ढूंढ रहे थे होटल किधर से खाएंगे बोल के, देखे कि ओपनिंग है, ट्राई करेंगे बोल के आए थे। माशाल्लाह हॉस्पिटैलिटी इनका मेहमान नवाजी बहुत अच्छा था और ऊपर से जो डिश उन्होंने आज हमें हाँ परोस किया माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन के हम आके ट्राई करना है, मस्ट ट्राई। तो हम यहाँ के नहीं हैं होने के बावजूद भी है ना अच्छा, बहुत अच्छा लगा है यहाँ का डिश और इंशाल्लाह सबको मुबारक है और सब लोगों से आई रिक्वेस्ट की इधर आके टेस्ट कीजिए। हाँ माशाल्लाह बउवा ही बोल रही थी, मेहमान नवाजी जैसे हॉस्पिटैलिटी जैसे कस्टमर को एक करना बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह।
तो सबसे आप लोगों को भी हाँ सब कस्टमर के साथ फ्यूचर में भी आपका रवैया वही रहे, तो जो भी आएगा उनको बिना मुंह मोड़े कुछ जैसे फर्स्ट डे रहते हैं वैसा ही करेंगे तो इंशाल्लाह और जल्दी आगे बढ़ेंगे। और सबसे सबको दुआ है कि अल्लाह बरकत दे और अच्छी तरक्की दे। जरूर जरूर, हमने तो वही बोल रही थी मैं बच्ची से भी कि उनको ही फीडबैक दे दो कैसा है बोल के। हाँ जरूर, हम सबको बताएंगे कि इधर मस्ट ट्राई करना है बोल के।